यातायात व्यवस्था बिगाड़ रहे 44 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई, माफीनामा लिखवा कर छोड़ा गया सभी को। शहर में यातायात विभाग द्वारा बीते रोज बाइक चालकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा बाइक चालकों के चालान काटे गए। वहीं आज शहर में यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के चालकों पर यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने बताया कि शहर में माधव चौक, कोर्ट रोड, अस्पताल चौराहा, गुरुद्वारा आदि जगहों पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हो जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था खराब हो रही है। इन ट्रैक्टर ट्रॉली के चालकों व मालिकों को कई बार समझाइश दी गई है कि वह अपने वाहन शहर के अंदर ना लाएं, लेकिन समझाइश का कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद आज लगभग 40 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर की गई। यातायात प्रभारी ने बताया कि पीपर समा मंडी में उपज बेचने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक शहर में कस्टम गेट पर स्थित पुरानी मंडी में भुगतान लेने आते हैं। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर खड़ी करने को कहा कि एक रूट भी दिया गया है कि वहीं व्हीटिपल स्कूल से होकर आए और वहीं से अपने वाहन ले जाएं, लेकिन समझाइश का कोई असर नहीं हुआ, जिस पर आज ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सर, आज जो कार्रवाई आपने की है ट्रैक्टरों की, इसका रीज़न और क्या था? जे आए दिन शहर में जो ट्रैक्टर ट्रॉली गांव से आती हैं, प्याज की मंडी में आती हैं, बताते हैं लोग, और दूसरा कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं, जिससे क्या शहर की यातायात व्यवस्था वाकई में बहुत इनसे बिगड़ रही है। क्योंकि जब भी कोई सामान खरीदते हैं, कहीं मेडिकल के सामने खड़े हो जाएंगे, कहीं सब्जी लेने खड़े हो जाएंगे, कहीं राशन पानी लेने खड़े हो जाएंगे, तो इससे पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है। मैंने पहले भी इनको मंडी में जाकर समझाइश दी थी कि आपको अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से शहर में आना है तो मंडी में खड़े करिए, उसके बाद शहर में आइए, आप पैदल आइए, ऑटो से आइए, सामान लीजिए, वापस मंडी सामान लेकर निकल जाइए। इनका रास्ता ही मैंने बताया था कि आपको पौरी चौराहे से या कहीं से भी आते हो तो BTP स्कूल से सीधा निकल के वो मंडी पहुँचे, मंडी से उसी रास्ते से वापस निकल जाए, शहर में ना घुसें। आप देखेंगे शहर में अस्पताल चौराया, माधव चौक, गुरुद्वारा, झांसी तरा, आपका ये अस्पताल चौराहा, MM चौराहा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, इससे शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश थे, तो इसके आदेश में पालन में आज मेरे द्वारा ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी करूंगा। आज कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली आपने? लगभग ट्रैक्टर 40 से ऊपर हैं आज ट्रैक्टर को जो कार्रवाई है। ट्रॉली है तो पकड़ी है, पर क्यों नहीं ये मंडी अधिकारियों से आपने चर्चा की? जो बड़ी मंडी बनी है तो यहाँ प्याज क्यों तोड़ रही है? मंडी वालों से मैं बहुत समय से बात करता चला आ रहा हूँ, उनके द्वारा यही कहा जाता है कि हम जल्द से जल्द इसमें समाधान कर लेंगे। एक्चुअली इनकी समस्या क्या है, अभी मेरी ट्रैक्टर वालों और ट्रॉली वालों से जो बात हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि सर हमें जो भुगतान होता है वो पिपरसा मंडी में ना होते हुए इस मंडी में, अनाज मंडी में जो कस्टम गेट पर वहाँ होता है, जिससे हमको वहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। तो इसके लिए मेरा मंडी अभी हरेंद्र राठौर जी हैं सचिव, उनसे मेरी बात हुई है, उनने आश्वासन दिया है कि सर आज ही हम मीटिंग करके इसका समाधान निकालेंगे, उनका पेमेंट या वहीं होगा या अगर यहाँ होगा तो दूसरे रास्ते कहीं इनका रास्ता बनाएंगे, जिससे उनका पेमेंट यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी उसी जगह पर इनका किया जा सकेगा।